please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं इस समय न्यूज एक इंडिया पर, यह बड़ी खबर में था। सुशील पंडित है। सुशील पंडित, 3 दिन पहले जो आप बोल रहे थे वो हो गया है, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया है, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि बीजेपी को समझ आ गया है कि जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है सरकार में बने रहने की, वो इनके बस की नहीं है। दो इन्होंने अहम फैसले लिए हैं पिछले 72 घंटों में। एक था रमजान वाला सीज फायर वापस लेना, वहां और कह रहे वही तलखी की वजह बना, वो गलती इन्होंने कबूल की है। अगर तलखी की वजह बनता तो फिर पीडीपी समर्थन वापस लेती, इन्होंने पीडीपी को समर्थन वापस लेने क्या बीजेपी ने सरप्राइज कर दिया पीडीपी को? हाँ, पीडीपी चाहती तो ये थी शायद कि अगर कभी ये सरकार गिरे तो उनके चुने हुए समय पर, उनके चुने हुए मुद्दे पर, उनकी नखरों पर गिरे। लेकिन भाजपा ने, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात बोली कि जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभाव रखा गया, यानी कश्मीर को ज्यादा तवज्जो और जम्मू को नहीं। ये इनको अब दिखाई पड़ा है, ये उस भेदभाव में शामिल थे। इन्होंने नीतियां बनाई और उन नीतियों का समर्थन किया इन्होंने सार्वजनिक रूप से। इनके जो उप मुख्यमंत्री थे, जो अब स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था कि कोई ताकत छीन नहीं सकती घाटी से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को, जब 28 फरवरी 2015 को वित्त मंत्री ने बजट में उसकी घोषणा की थी। ये लोग आगे आगे थे उन मुद्दों पर जो जम्मू से छीने गए। ओके, और वैसे ही कह रहे हैं कि बीजेपी शुजात बुखारी के कत्ल को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रही है। 15 सेकंड। मुझे नहीं लगता बीजेपी को उस कत्ल को पॉलिटिकल बना के कुछ मिलेगा। शुजात बुखारी कभी बीजेपी का समर्थन नहीं करते थे। जी जी, शुजात बुखारी के कत्ल से बीजेपी ने कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाया। हाँ, उनको एक मुद्दा जरूर मिला जिसका उन्होंने खामियाजा भुगता, क्योंकि ये उनके कराए गए सीज फायर के दौरान हुआ। ओके ओके ओके, फाइनल वर्ड कि आगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द बीजेपी? 10 सेकंड्स। देखिए, अब बीजेपी ने एक निर्णय से, इस निर्णय से ये शुरुआत की है अपनी पटरी बदलने की। अगर इस पर उन्हें कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शुक्रिया शुक्रिया सर, मैं फिलहाल इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन बड़ी खबर पे हम लगातार बने हुए हैं, इस ब्रेकिंग स्टोरी पे हम लगातार बने हुए हैं।